हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। गति वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था और गति वाले चैप्टर में लगभग लगभग हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और जो पिछला वीडियो था, इससे जो लास्ट वाला वीडियो मैंने करवाया था, उसमें मैंने दूरी और समय के बीच में ग्राफ करवाई थी। दूरी और समय के बीच में ग्राफ, और दूरी और समय के बीच में तीन ग्राफ बनवाई थी मैंने, ठीक है। तो जो ग्राफ नंबर थर्ड थी, ग्राफ देखो एक बार मैं वापस रिवाइज करता हूँ। ग्राफ नंबर फर्स्ट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, ग्राफ नंबर फर्स्ट में ये पता लग रहा था एक सीधी लाइन मिल रही थी, मतलब वाहन रुका हुआ है, मतलब चाल जीरो है। सेकंड जो ग्राफ थी उसमें एक वाहन निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय कर रहा था, मतलब एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही थी। और सीधी लाइन का मतलब ये है कि वाहन की चाल नियत। पहली ग्राफ में वाहन की चाल जीरो, सेकंड ग्राफ में वाहन की चाल नियत, और जो ग्राफ नंबर थर्ड थी, ग्राफ नंबर थर्ड के अंदर हमें एक कर्व लाइन मिली थी, एक घूमी हुई लाइन मिली थी, और उस घूमी हुई लाइन का मतलब ये था कि वाहन निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय नहीं कर रहा है, मतलब उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और मैंने ये भी बताया था कि वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन को कहते हैं त्वरण। क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन, त्वरण। तो वही त्वरण हमारे आज का टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो पढ़ने का जो मटेरियल है, वो है त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। अब देखो त्वरण का क्या मतलब है, त्वरण का मतलब होता है समय के अनुदिश, समय के अनुदिश वेग में परिवर्तन, समय के अनुदिश वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और त्वरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण को स्मॉल ए, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब यह है, एक बार आप डेफिनेशन पर नोटिस करो, समय के अनुदेश वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेग चेंज हो रहा है, कहने का मतलब सीधा सही है, निश्चित समय में निश्चित दूरी तय नहीं हो रही, एक मिनट में मान लो कुछ दूरी तय की, नेक्स्ट दूसरी मिनट में उससे भी ज्यादा दूरी तय हो सकती है या उससे कम तय हो सकती है, नेक्स्ट तीसरी मिनट में और भी ज्यादा दूरी हो सकती है, और भी कम दूरी तय हो सकती है। तो बताओ ये दूरी ज्यादा तय होना, दूरी कम तय होना, जबकि समय फिक्स है, फिक्स समय में अलग अलग दूरी, मतलब वाहन की चाल नियत तो नहीं है। अगर वाहन की चाल या वाहन का वेग अगर फिक्स होता तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय होती। तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय नहीं होने का मतलब सीधा सा यही है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। कई बार कुछ कंडीशन में वेग ज्यादा है, कुछ कंडीशन में वेग कम है, एक्सीलरेशन आता है ना, जो बाइक है या जो कार वगैरह आती है जिसको हम एक्सीलेटर बोलते हैं, डोंट कॉल एक्सीलेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, उसका जो ओरिजिनल मीन है उसका मतलब होता है एक्सीलरेशन। क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलेटर कभी हम ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा कम, कभी कम, अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ रोड, अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ, या कुछ भी मान सकते हैं, क्रस्ट या भीड़ जो भी है, मान लो क्राउड है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम। तो वेग कई बार ज्यादा हो जाता है, वेग कई बार कम हो जाता है, तो वेग कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, ऐसे वेग चलता रहता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, त्वरण। और त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस नेम ऑफ द स्मॉल लेटर ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, जो पहला लेटर आ रहा है ना इसका, उसके अकॉर्डिंग इसको प्रदर्शित कर दिया स्मॉल ए से, ठीक है। तो त्वरण का, त्वरण की, सॉरी, त्वरण का फॉर्मूला क्या बना, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और ये परिवर्तन किसके अनुदिश हुआ, समय के अनुदिश, वेग में परिवर्तन समय के अनुदिश हो गया। तो इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो त्वरण तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल, तो देखो वेग में परिवर्तन, माना पहले एक सेकंड में या पहले एक मिनट में वेग कुछ और था, नेक्स्ट एक मिनट के बाद वेग कुछ और हो गया, तो प्रारंभिक वेग, इसमें देखो वेग दो है ना, जैसे मैं वेग की बात करूं, ठीक है, तो एक तो होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, और एक होता है अंतिम वेग, अंतिम
प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करते हैं यू से, अंतिम वेग को प्रदर्शित करते हैं वी से। मान लो एक मिनट में जो जब हमने गाड़ी स्टार्ट की, जब हमने वाहन स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग की एक मिनट में वाहन का वेग, मतलब वो तो प्रारंभिक वेग ही होगा, कितने वेग से हमने गाड़ी स्टार्ट की है, यू है। और जब हमने गाड़ी बंद की, जब हमने वाहन को स्टॉप किया, उस समय वेग क्या था? गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में गाड़ी का वेग क्या है, गाड़ी को हम बंद कर रहे हैं, अंत में गाड़ी का वेग क्या है, वो है वी, और स्टार्टिंग में गाड़ी का वेग क्या होता है, यू। तो देखो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाना पड़ता है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, वी से, तो ए इक्वल वी माइनस प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यू से, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, त्वरण का। त्वरण का सूत्र क्या है, वी माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग कितना था, प्रारंभिक वेग कितना है, वेग में परिवर्तन हो रहा ना, कि अंतिम तो कितना था और प्रारंभिक कितना था, ठीक है। जैसे मान लो गाड़ी का अंतिम वेग कितना हो, गाड़ी का अंतिम वेग हो 20, प्रारंभिक वेग हो 10 और समय हो 10, तो कितना हो गया 10/10, यानी कि एक गाड़ी का त्वरण क्या आ जाएगा, 1 m/s². ऐसे हम क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। अब देखो ए कितना आया, वी माइनस यू अपॉन टी, ये तो त्वरण का आ गया सूत्र। अब हम यहां से निकाले त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। और मात्रक किससे निकलता है, मात्रक सूत्र से निकलता है, मात्रक कैसे निकलता है, मात्रक निकलता है सूत्र से, सूत्र ये रहा। तो देखो ध्यान रखना एक बार, हम किसका मात्रक निकालने जा रहे हैं, त्वरण का। तो फॉर्मूला है वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये भी वेग है, ये भी वेग है, यू भी वेग है और वी भी वेग है। तो अगर हम त्वरण का मात्रक निकालते ना, तो इन ये वेग दोनों एक जैसे वेग है, चाहे अंतिम वेग की बात करूं चाहे प्रारंभिक वेग, है तो वेग ही ना, और वेग का मात्रक सेम होता है। तो किसी भी एक वेग का मात्रक आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे बता सकते हैं, ए इक्वल वी अपॉन टी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हम मात्रक निकाल रहे हैं, बाकी फॉर्मूला तो यही यूज होगा। वो इसलिए चाहे आप यहाँ पे यू लिख लो, चाहे आप यहाँ पे वी लिख लो, क्योंकि वेग है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि अंतिम वेग में परिवर्तन की दर, फिर प्रारंभिक वेग में परिवर्तन की दर, वेग वेग एक समान होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, हालांकि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाना पड़ेगा कि इतना अंतर आ गया, लेकिन जब हम त्वरण का मात्रक निकालेंगे तब आप किसी भी एक वेग का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो वी लिख लो या फिर यू लिख लो। तो ए इक्वल ये क्या है, वी, पहले वी का मात्रक डालना पड़ेगा, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड। याद करो जब मैंने आपको चाल और वेग पढ़ाया था तो इनका मात्रक भी बताया था, मीटर बटा सेकेंड, इसका भी मीटर बटा सेकेंड, इसका भी मीटर बटा सेकेंड, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो देखो मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, फिर ये अपॉन, बटे का चिन्ह आ रहा है, नीचे क्या है, समय, और समय का मात्र क्या होता है, सेकेंड, समय का मात्र क्या होता है, सेकेंड। तो ये सेकेंड कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ए इक्वल मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड नीचे आ गया ना, तो इसको आगे सोल्व करोगे आप, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जा रहे हो, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जा रहे हो, तो सेकेंड स्क्वायर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ए इक्वल मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये भी त्वरण का मात्रक है, ये भी त्वरण का मात्रक है, दोनों दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, सिर्फ बोलने का फर्क है। देखो कैसे, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सीधा बोल सकते हो मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे। तो ये त्वरण के मात्रक है, ये त्वरण के मात्रक है। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन करवा दिया, सारा समझा दिया। और ये गति वाला चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, देखो इसमें वैसे तो बहुत सारा मैटर था,
ग्राफिकल मेथड से या ग्राफ के मेथड से हमें गति के तीन समीकरण भी निर्धारित करने थे, या उन तीनों के बीच में ग्राफ खींचकर एक ग्राफ बनाकर मुझे न्यूटन की गति के तीन समीकरण समझाने थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लेकिन कोरोना की वजह से सिलेबस आपका शॉर्ट किया गया ना, उस सिलेबस में उस पोर्शन को हटा दिया, यानी कि डेरिवेशन ऑफ या फिर डेराइव्ड ऑफ थ्री इक्वेशन ऑफ न्यूटन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ निरूपण के द्वारा या ग्राफिक मेथड से या ग्राफ विधि के द्वारा गति के तीन समीकरण बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन हटा दिया इसमें से। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ। कौन सा चैप्टर चालू कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपका 8 चैप्टर था, 9 चैप्टर चालू कर रहा हूँ मैं। कौन सा, बल वाला। चैप्टर का नाम है बल एवं दाब, बल एवं दाब। तो जो 10 चैप्टर गुरुत्वाकर्षण वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 9 मैं चालू कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हम 9 चैप्टर बाद में चालू करेंगे। जो 9 चैप्टर है ना बल और दाब वाला, वो हम बाद में चालू करेंगे, ताकि वो क्या है, अब इसमें आधा वीडियो तो किसका हो गया, 8 चैप्टर का, और आधा वीडियो किसका हो गया, 9 चैप्टर का। तो हम ऐसा ना करके दो तीन न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं तोड़ के ऊपर, फिर जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर से आ जाएगा, एक नए सिरे से आ जाएगा, नया चैप्टर से। ठीक है, तो पहले इसमें जो रेमेनिंग पार्ट है, इस वीडियो का जो बचा कुचा पार्ट है, उसमें हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ मैं तोड़ के ऊपर। एक क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से प्रारंभ होकर 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर हावर की चाल प्राप्त कर लेती है। रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, निकालना क्या हमें, त्वरण। तो देखो पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। एक रेलगाड़ी है जो किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, पहले रुकी हुई थी, चलना प्रारंभ करती है, मतलब स्टार्ट हुई है, तो जीरो वेग के साथ स्टार्ट हुई है। तो स्टार्टिंग वाले वेग को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। तो हमें पता लग गया है, पर प्रारंभिक वेग तो जीरो है। ठीक है, अगर आप इसका सोल्यूशन दोगे ना, तो सबसे पहले यही नोटिस करोगे कि इसका प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित किया था, यू से, वो तो क्या हो गया, जीरो। मतलब जब रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया तो रुकी हुई थी, तो प्रारंभिक वेग तो जीरो था, जीरो से ही तो उसने स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, जैसे ही 10 मिनट का टाइम निकला, मतलब रेलगाड़ी को चलते हुए 10 मिनट हो गई, और 10 मिनट में जब उसकी स्पीड चेक की गई ना, तो उसका वेग था 40 किलोमीटर पर हावर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल सकती थी वो, 40 किलोमीटर पर हावर। तो ये इसका अंतिम वेग था, प्रारंभिक वेग तो जीरो से चालू किया, और इसका अंतिम वेग जब नोटिस किया 10 मिनट के बाद में, तो इसका अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, वो कितना था, 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितने टाइम में ये वेग प्राप्त हुआ, 10 मिनट में। ठीक है, फिर आगे पूछता है रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो a ज्ञात करोगे तो a तो क्या है, त्वरण है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, v - u / t। हमारे पास v का मान है, हमारे पास u का मान है, हमारे पास t का मान है, क्या तो a नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखो थोड़ी सी समस्या है, समस्या ये है कि जो अंतिम वेग है वो किलोमीटर पर हावर में दे रखा है। वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर बटा सेकंड, और यहां पर वेग का मात्रा क्या लिख रखा है, किलोमीटर पर हावर। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को तो चेंज करना पड़ेगा मीटर में,
और घंटे को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। तो देखो इसको हम चेंज करें, 40, 40 के आगे क्या लगा हुआ है, किलोमीटर बटा हावर। तो देखो 40 किलोमीटर को मीटर, जब किलोमीटर को मीटर में लेके जाते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 40 किलोमीटर में 40,000 मीटर, तो 1000 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे इसको, ठीक है। और ये क्या हावर, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 60 3600, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये 5, ये 18, 5 × 20 और इधर क्या हो गया 18, 2 से कैंसिल करोगे ये तो हो गया 100 और ये हो गया 9। अब नहीं कट सकता, इससे ज्यादा हम इसको नहीं काट सकते, और ये यूनिट आ गई मीटर बटा सेकंड में, मीटर बटा सेकंड में हमने इसको चेंज कर दिया। यहां पर भी देखो जो टाइम दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में है, जबकि टाइम किस चीज में होता है, सेकंड में। तो 10 मिनट को चेंज करना पड़ेगा सेकंड के अंदर, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 × 60 600 सेकंड, कितने हो गए 600 सेकंड। अब हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, उठा के यहाँ पे डाल दो, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम, A इक्वल V का मान कितना है 100/9 माइनस U का मान 0, ठीक है, बटा T का मान 600, निकाल लिया। इसको पहले LCM लेके सोल्व कर लो, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक लगा लो। अब जैसे LCM कितना आएगा, 9 आएगा ना, LCM कितना आया 9, 9 को 9 से डिवाइड करोगे, 1 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, ठीक है, माइनस 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, उसको 1 से गुणा करोगे 0, ये तो राशि क्या हो गई 0। तो यहाँ पर क्या आ गया मान 100/9, 100/9 मतलब इसको इसको हमने लघुतम लेकर सोल्व किया तो 100/9 आया, नीचे बटे में 600 और बटे में नीचे क्या है 600, तो 9 को नीचे लेके आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना 100/9 × 600, 9 × 600, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 9 × 6 = 54 यानी कि 1/54 कितना आया 1/ यानी कि 1/54। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा 0.018, इतना त्वरण आ गया, इतना त्वरण था उस रेलगाड़ी का, ठीक है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लो, ये हमने उस रेलगाड़ी का क्या निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया, ठीक है। जब रेलगाड़ी 0 प्रारंभिक वेग लेकर चालू हुई थी, 10 मिनट के बाद उसका जो अंतिम वेग था वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उस समय जो रेलगाड़ी का त्वरण था वो था 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन था किसका, उस रेलगाड़ी का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो ऐसे क्वेश्चन हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं त्वरण में, ठीक है। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग आपको पहचानना होगा, ठीक है, अगर गाड़ी स्टार्ट ही हो रही है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग देख लेना क्या दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, लेकिन स्पेशली आपको नोटिस करने की जरूरत है, ये यूनिट आपको जरूर चेंज करनी होगी, अगर किलोमीटर पर हावर में है तो मीटर पर सेकंड में लेकर जाना पड़ेगा, और अगर समय आपका मिनट और सेकंड में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालो और फटाफट आंसर फाइंड आउट करो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा 8th चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी अकॉर्डिंग टू वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर 9, ठीक है, और चैप्टर की हेडिंग है फोर्स, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, बल। तो बल के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या होता है, बल में क्या क्या गुण होते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बल की विशेषताएं क्या है, ये सब चीजें उस वीडियो में डिस्कशन होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।